हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी लास्ट डेट 15 सितंबर है। तो दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 15 सितंबर तक बिना लेट फी के एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 15 सितंबर के बाद उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको 250 रुपये यानी कि 250 रुपीज़ लेट फी के रूप में देना होगा। तो लेट फी के साथ आप 30 सितंबर तक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो आप जल्द से जल्द जो एडमिशन फॉर्म है उसको भर लीजिए। साथ ही जिन छात्रों के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण, तो वे सभी स्टूडेंट्स भी आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि अभी जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं कोरोना वायरस के कारण, वो आप सीधे सेकेंड ईयर का फॉर्म भर सकते हैं। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को किस तरह से अपना फॉर्म भरना है और कैसे लेना है सेकेंड ईयर में एडमिशन, इसके बारे में पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। पर अभी भी कई स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर के फॉर्म भरने में कई परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि जो मैंने सेकेंड ईयर के फॉर्म भरने की प्रोसेस बताई थी वो मैंने बताई थी एमए के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बताया था कि उनको सेकेंड ईयर का फॉर्म कैसे भरना है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है बीए, बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स को। तो कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो बीए, बीएससी या बीकॉम के सेकेंड ईयर के फॉर्म हैं उनको कैसे भरना है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बताने वाला हूं, या ये कहें कि अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को बताने वाला हूं कि आपको कैसे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है और कैसे भरना है आपको अपना एडमिशन फॉर्म। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीए के हो, बीएससी के हो या बीकॉम वाले हैं, तो जैसे ही वो अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, पूरा फॉर्म पूरा भर ले रहे हैं वो अपना, ठीक है, उसके बाद उनके सामने ये चीज़ लिख के आ रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उनके सामने वो इस चीज़ की है कि ये जो ये चीज़ है वो है क्या आखिर, और उसके कारण उनका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कई मैसेज मेरे पास भी आ चुके हैं कि सर, ये FHVA है क्या, FCS क्या है, FCSL क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, ठीक है। तो पूरा फॉर्म पहले हम भर लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ आएगी वहाँ पे, तो आपको इसका कैसे सॉल्यूशन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक हो। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं, और जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, पहला ही लिंक, ठीक है, ये वाला, इस पे आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर, ठीक है। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर टॉप में, ठीक है, यहाँ पे वीडियो गैलरी लिखा है, उसी के बगल में दिख रहा होगा दोस्तों आपको ऑनलाइन एडमिशन, ठीक है। तो आपको सीधे ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन एडमिशन में क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज में पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का पेज, जहाँ से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों नीचे, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एडमिशन, और उसी के नीचे लिखा हुआ है क्लिक हर टू प्रोसीड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हर टू प्रोसीड, वहीं पे आपको क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारे निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, सबसे लास्ट में स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बॉक्स आई एग्री का, ठीक है। तो इस बॉक्स पर आप कर लेंगे टिक, ठीक है। तो इस बॉक्स को टिक कर लेंगे, और साथ ही आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही हैं, फॉर न्यू स्टूडेंट ओनली, और उसी के बगल में लिखा है फॉर ऑलरेडी इनरोल इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि आपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पहले ही एडमिशन ले चुके हैं आप,
तो आपको क्लिक करना है फॉर ऑलरेडी इनरोल इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन ले रहे हैं उनको क्लिक करना है फॉर न्यू स्टूडेंट ओनली पे, ठीक है। तो हम भर रहे हैं सेकेंड ईयर का फॉर्म, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, फॉर ऑलरेडी इनरोल इन यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। तो इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है, इस तरह का ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपसे मांगेगा दो चीज़ें, एक तो आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आपने एडमिशन पहले ही ले चुके हैं तो आपके पास एनरोलमेंट नंबर ज़रूर होगा और आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पता होगी, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, तो ये हमने डाल लिया एनरोलमेंट नंबर, और उसी के नीचे आप डेट ऑफ बर्थ भी डाल लीजिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ को डालने के लिए आपको दोस्तों जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैलेंडर जैसा छोटा सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तभी आप आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे सही से मेंशन हो पाएगी, नहीं तो ये डेट ऑफ बर्थ लेने में प्रॉब्लम देता है। तो हम भी इस कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसे कैलेंडर आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, तो दोस्तों अब हमने दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर ली है, एक तो हमने एनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, साथ ही हमने डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा आप, ठीक है। कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि नीचे सीधे फॉर्म भरने लग जा रहे हैं इसके बाद, तो उनको फॉर्म नहीं भरना है, उनको सबसे पहले यहाँ पर जो सर्च का बटन है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च पे बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उसका नाम, ठीक है, यहाँ पे आपका दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम सर्च पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है प्रोग्राम, ईयर और सेमेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है इन्होंने किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और इनका कौन सा ईयर था, ठीक है। तो इन्होंने BSc में एडमिशन लिया है, इनका पहला ही साल था, ठीक है। अब पहले साल के तो एग्ज़ाम नहीं हुए COVID-19 के कारण, तो आप ये क्या कर रहे हैं, सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड ईयर का फॉर्म भरने के लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा होगा, एक बार मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है ऐड न्यू एप्लीकेशन, वहीं उसके नीचे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है ऐड न्यू प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको सेकेंड ईयर का फॉर्म भरने के लिए जो क्लिक करना है वो क्लिक करना है ऐड न्यू एप्लीकेशन पे, ठीक है। आपको ऐड न्यू प्रोग्राम पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ऐड न्यू प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे यानी कि आप किसी और प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं BSc को छोड़ के, ठीक है। तो जैसे किसी ने MA कर लिया है, पूरा हो गया उसका, और अब वो MA करना चाहता है, तो वो ऐड न्यू प्रोग्राम पे यहाँ पे क्लिक कर सकता है, ठीक है। तो आपको सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना है, BSc फर्स्ट ईयर आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो आपको सेकेंड ईयर का जो फॉर्म है वो भरना है। तो आप क्या करेंगे, ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो ऐड न्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी डिटेल आपने पहले भरी थी, फर्स्ट ईयर का फॉर्म जब आपने भरा था, जब आपने नया एडमिशन लिया था उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में, तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे दिखाने लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी सारी डिटेल यहाँ पे दिखाने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि कौन से सेशन में आपने, ये आपका कौन सा सेशन चल रहा है अभी, ठीक है। आपने आपका रीजनल सेंटर क्या है, आपका स्टडी सेंटर क्या है, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, ठीक है। आपका कौन सा ईयर दिखा रहा है, यहाँ पे सेकंड ईयर दिखा रहा है, क्योंकि आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर नहीं दिखा रहा है क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। अब आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका यहाँ पे सेकंड ईयर दिखा रहा है। तो अगर आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका थर्ड ईयर दिखाएगा, ठीक है। तो मीडियम भी आपका यहाँ पे दिखा रहा है इंग्लिश, ठीक है। एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी एग्ज़ाम सिटी आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो एग्ज़ाम सिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे जो भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सिटीज़ हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जहाँ भी आपको सूटेबल लगता है वहाँ पे आप एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अपनी। तो हमने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें यहाँ पे नहीं भरी हुई है यानी कि जो चीज़ें खाली हैं उनको आपको भरना है, बाकी चीज़ों को आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी उनके साथ, ठीक है।
तो सेशन हमारा पहले से भरा हुआ था, रीजनल सेंटर हमको पता चल गया, स्टडी सेंटर प्रोग्राम यहाँ पे दे रहा हुआ है, ईयर और सेमेस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, मीडियम यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जिस भी मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट कराया, तो एग्ज़ाम सिटी मैंने यहाँ पर इनकी सेलेक्ट कर ली है। साथ ही आपको सब्जेक्ट जो है आपके उस पर भी कुछ नहीं करना है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको पहले से ऑलरेडी वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर, यानी कि ये सारे कैसे हैं आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इन पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधे बढ़ जाना है आगे, आगे जो जो आप यहाँ पे फील नहीं हुआ है उसको आपको भरना है, बाकी चीज़ों को आपको नहीं छूना है, ठीक है। तो नेम आपका पहले से दिखा रहा है उसको आपको नहीं भरना है, हिंदी में भी आपका नेम दिखा रहा है, फादर्स नेम आपका दिखा रहा है, मदर्स नेम आपका दिखा रहा है, जेंडर आपका दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपका दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप दिख रहे होंगे मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर है और यहाँ पर है आपका ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल को यहाँ पे आपको करना है अपडेट, यानी कि मोबाइल नंबर पर जैसे ही आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो पाएगा। ऐसे ही आपका जो ईमेल आईडी है उस पर भी होगा, ईमेल आईडी के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है चेक अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फिर आपके ईमेल पे भी एक ओटीपी आएगा, ठीक है, उस ओटीपी को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे तभी भी तब आपकी ईमेल आईडी जो होगी वो वेरीफाई हो पाएगी। तो जैसे ही मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखना दोस्तों ये मांग रहा है ओटीपी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इंटर ओटीपी, तो इस मोबाइल नंबर पे आपके एक ओटीपी आ गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और यहाँ पे मेल में भी आपका आएगा एक ओटीपी, ठीक है। तो जो आपकी ईमेल आईडी है उसके नीचे जो चेक अवेलेबिलिटी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपसे मांगेगा OTP, ठीक है, तो दोनों जगह आप देखिए OTP मांग रहा है, यहाँ भी मांग रहा है और यहाँ भी मांग रहा है, ठीक है। तो दोनों OTP को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो दोनों क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोबाइल का भी OTP डाल दिया है और ईमेल आईडी का भी OTP डाल दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दोनों तरफ वेरीफाई लिखा हुआ आपको दिखा दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपने मेंशन पहले से हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी यहाँ से भरी हुई है, उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आपके जो डोमिसाइल हैं वो किस स्टेट के हैं, तो यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा हम, फिर आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपके जिस स्टेट के भी डोमिसाइल हैं, जो भी आपके कागज़ हैं सारे, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे उसी के सामने यहाँ पे कैटेगरी आपकी दिखा रही है, वो पहले से भरी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी कम्युनिटी दिखा रहा है, तो कम्युनिटी भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको दिख रहा है हैंडीकैप्ड, तो अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो ही रहने दीजिए उसको, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दिखा रहा है रीजन, तो आप जिस भी रीजन के अंतर्गत आते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो रूलर या अर्बन या सेमी अर्बन, ठीक है, तो रूलर का मतलब ग्रामीण है या अर्बन शहरी है, या जो आपका जहां आप रहते हैं वो आधा शहर है या आधा गांव है, तो वो सेमी अर्बन में आएगा, ठीक है। तो आप जिस भी क्षेत्र के हैं वो यहां से आप भर लीजिए उसको। उसके बाद यहां पे आपका दिखा रहा है इकोनॉमिक क्लास, ठीक है, तो इकोनॉमिक क्लास को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप जिस भी इकोनॉमिक क्लास के अंतर्गत आते हैं BPL APL अंत्योदय जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे है लाइवहुड स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए आप एम्प्लॉय हैं अनएम्प्लॉय हैं या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप जो भी हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा हो आपका वैवाहिक स्थिति, ठीक है, तो अगर आपने शादीशुदा हैं तो आप यस करिए, मैरिड करिए, नहीं तो नहीं है तो अनमैरिड करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका एड्रेस भी आपका दिखा रहा है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपका दिखा रहा है, आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, ठीक है, वो भी आपकी भरी हुई है, उसको भी आप कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है।
अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलती कर दी है या आप जैसे अब आपने बीए में एडमिशन लिया था, बीए आपका कंप्लीट हो चुका है, आप एमए में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे बीए को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है पनिश्ड बाई कोर्ट या एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आप नकल करते हुए पकड़े गए हैं कहीं पे या कोर्ट में आपका केस चल रहा है, तो आप यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स आपको हमने पहले ही जमा कर दिया है, पहले ही आपने भर के वहाँ पे अपलोड कर दिया है जब आपने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा था, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लेस, ठीक है, तो प्लेस आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे उसका नाम डाल लीजिए और यहाँ पे आप आज की डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो प्लेस और डेट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पे आज की डेट, ठीक है, तो आज की डेट यहाँ से पहले ही दिखा रहा है, तो खाली आपको खाली डेट पे क्लिक कर देना है तो डेट आपकी आज की आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों प्लेस और डेट हमने सेलेक्ट कर ली है। अब उसके बाद करना क्या है आपको, आपकी जो इमेज है यानी कि आपके जो फ़ोटो हैं वो सिग्नेचर है, आपने पहले से अपलोड किए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे दोस्तों आपकी फ़ीस दिखा रहा है, टोटल आपको कितनी जमा करनी है, ठीक है। तो प्रोग्राम फ़ीस आपकी 4,000 रुपये, एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी 8,000 रुपये, तो टोटल हो जाएगी आपकी 12,000 रुपये, ठीक है। तो ये बीएससी के स्टूडेंट, तो बीएससी वालों की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपको फ़ीस जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार अपना फॉर्म जो है वो एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सही से भरा है या नहीं भरा है, और कहीं पे छूट गया है फॉर्म का कोई चीज़ भरना तो उसको दोबारा से आप भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ भर लिया है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई इट का बॉक्स, ठीक है, तो इस बॉक्स पे आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है पेमेंट ऑप्शन, तो पेमेंट ऑप्शन का ये जो आपको दिख रहा है गोल सा जो बटन है इसको भी आपको कर देना है क्लिक, ठीक है, तो इस पर भी हम क्लिक कर देते हैं। फिर आपको कर देना है डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक, तो डन एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपकी पेमेंट ऑप्शन है वो सामने आ जाएगी। तो दोस्तों आप जब आप पूरा फॉर्म भर के डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, वो जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है, ठीक है। तो कई स्टूडेंट इस बारे में मुझसे पूछ रहे हैं कि हम फॉर्म भर रहे हैं, जब हम लास्ट में सबमिट कर रहे हैं तो हमारे सामने ये चीज़ लिख के आ रही है कि सेलेक्ट ओनली वन फाउंडेशन कोर्स फॉर्म FHVA, FCS और FCSL, ये तीनों चीज़ें हैं क्या, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है इसको, तो ठीक है, जहाँ से आपने फॉर्म भरना शुरू करा था आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आपको सीधे चले जाना है जहाँ के आपके सब्जेक्ट हैं, आप जहाँ पे आपके शो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका लिखा हुआ है कोर्स, ठीक है। तो जहाँ पे आपका कोर्स लिखा हुआ है उसके सामने जो सेलेक्ट है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी कोर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो आपने मैसेज दिखा था वो वहाँ पे लिखा था कि FHVA, ठीक है, तो मैं लिख के भी बता देता हूँ वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे लिखा था FHVA, ठीक है, एक तो ये लिखा था और एक लिखा था FCS, एक ये लिखा था और तीसरा लिखा था वहाँ पे, वो लिखा था FCSL, ठीक है, ये तीन चीज़ लिखी थी। वो कह रहा था कि वन फाउंडेशन कोर्स, यानी कि ये सारे कैसे हैं, फाउंडेशन कोर्स हैं, ठीक है, ये अलग से आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, चाहे वो कोर्स आप FHVA का सेलेक्ट कर लें या FCS का सेलेक्ट कर लें या FCSL से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी कहाँ पे आएंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, तो आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया, ये देखिए FCS यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसका भी एग्ज़ाम आपका होगा, तो ये सब्जेक्ट आपको लेना है इन तीनों में से, या आप FHVA में से लें या FCS में से लें या FCSL में से लें, तो आप इन तीनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो FCS का ये सब्जेक्ट है, या आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है FCSL, ये भी वहाँ पे लिखा हुआ था, तो आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो है सहज संस्कृत बोध का, ठीक है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता तो आप नीचे सेलेक्ट करें, तो यहाँ वहाँ पे दिखा रहा था FHVA भी दिखा रहा था आपको, नहीं हाँ FHVA भी दिखा रहा था, सबसे पहले FHVA ही दिखा रहा था, तो FHVA का जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये तीनों मैंने आपको बता दी, तो इन तीनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि ये, जैसे कि आप अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप जो संस्कृत वाला है वो सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये यहाँ पे बीएससी कर रहे हैं तो इनके लिए जो सब्जेक्ट सही होगा वो होगा, दोस्तों बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट कहाँ गया, ये है दोस्तों, ठीक है। तो इनके लिए जो सब्जेक्ट सही रहेगा वो रहेगा FCS यानी कि इंट्रोडक्शन और साइबर सिक्योरिटी। तो अगर आप बीए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सहज संस्कृत बोध को ही सिलेक्ट करें, वो सब्जेक्ट आपका आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एक फाउंडेशन कोर्स हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप दोस्तों FHVA, FCS, FCSL में से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया हमने और सेलेक्ट करने के बाद उसका नाम देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, ऐड कोर्स पे सेलेक्ट कर देना, यानी कि ये भी आपको ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड कोर्स पे कर लेते हैं क्लिक, ठीक है। तो ऐड कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे दिख जाएगा वो कोर्स आपका, देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है FCS का, ठीक है, जो लास्ट में आपको दिखा रहा है इंट्रोडक्शन और साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। तो ऐसे ही आपको दोस्तों FHVA, मैं लिख के बता देता हूँ, FHVA सब्जेक्ट कोड, ये क्या है आपका कॉमन सब्जेक्ट है, ये ले सकते हैं, या FCS में से ले सकते हैं, या FCSL, ठीक है। तो ये सारे फाउंडेशन कोर्स हैं, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड कोर्स पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो कोर्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आप करेंगे सीधे नेक्स्ट एंड डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको सीधे डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपकी जो डिटेल है वो आ गई है पेमेंट की, ठीक है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट होने की दिशा में चल रहा है, बस आपको एक लास्ट स्टेप करना है, आपकी फ़ीस पेमेंट करनी है, ठीक है। तो फीस आपको पूरी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कितनी जमा करनी है, तो 12,000 आपको टोटल जमा करनी है। ये बीएससी का स्टूडेंट्स है तो इसको ज़्यादा जमा करनी है, तो बीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी कम जमा करनी होती है। उसके बाद आपको सीधे क्या कर देना है, मेक पेमेंट पे कर देना है क्लिक। तो मेक पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, आपके किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो इनको करना है, जैसे डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है तो आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करिए। उसके बाद क्या क्या आपको उसमें भरना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सीधे अपना जो डेबिट कार्ड का नंबर है, एटीएम का नंबर, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। 16 अंकों का होता है या 10 या 12 अंकों का होता है। उसके बाद यहाँ पे उसकी कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है। उसके बाद CCV, ठीक है, जो 3 अंकों का होता है वो डालना है। उसके बाद आपको सीधे पे कर देना है, ठीक है, पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपकी जो फ़ीस है वो यहाँ से कट जाएगी, ठीक है। तो उनकी जो टोटल फ़ीस कटेगी वो कटेगी 12,106 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैक्स भी थोड़ा लग रहा है यहाँ पे इसकी फ़ीस में, तो इस तरह से आपको क्या कर देना है, अपनी पूरी फ़ीस को जमा कर लेना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी, फिर आपके सामने एक पूरा फॉर्म खुल जाएगा जो आपने भरा था। तो आप उसको प्रिंट निकाल के संभाल के रख लीजिए, या PDF में सेव कर लीजिए, कैसे भी उसको सेव करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, या उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी दोस्तों BA, BSc या BCom वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको कैसे अपना फॉर्म भरना था। तो फॉर्म तो वो भर ले रहे थे, मगर उनको दिक्कत आ रही थी जो कोर्स आ रहे थे FHVA, FCS, FCSL वाले जो कोड आ रहे थे फाउंडेशन कोर्स थे, तो वहाँ से आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपकी फ़ीस पेमेंट कर देनी है, तो आपका जो फॉर्म है वो भर के आ जाएगा, ठीक हो गया। तो दोस्तों इस तरह से भरना है BA, BSc और BCom वालों को अपना सेकेंड ईयर का फॉर्म, और कैसे आपको फॉर्म भरना है मैंने बता दिया आपको स्टेप बाय स्टेप। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्म भरने में, आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली, आपको हेल्प मिली है, ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी न्यूज़ आती है उसका लगातार अपडेट आपको मिलता रहता है। साथ ही आप यहाँ पे उत्तराखंड के GS, GK या उत्तराखंड परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये चैनल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। साथ ही दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित जो भी जॉब्स होती है उनकी भी न्यूज़ आपको दी जाती है। तो दोस्तों चैनल आपके लिए
देखा जाए तो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो बेल आइकन है चैनल के, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने एक बेल आइकन खुलेगी, तो उस बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।